हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हीलिंग ब्रश टूल की। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन हीलिंग ब्रश टूल्स है। इसके अंदर जाएंगे तो देख पाएंगे, पहला जो है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, दूसरा है हीलिंग ब्रश टूल और तीसरा है पैच टूल। ये तीनों आप देख पा रहे। तो मैं पहले हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बताऊँगा, उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बताऊँगा। तो हीलिंग ब्रश टूल देखिए, मैंने पिछले वीडियो तो इरेजर टूल के बारे में था। उसके पहले वीडियो जो था वो, अगर आप लोगों को याद हो तो वो क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में था। तो क्लोन स्टैम्प टूल अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो। तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता था, एक जगह से कोई सोर्स पॉइंट उठा के कोई दूसरी जगह पर वो चीज़ रख देता था। क्लोन स्टैम्प टूल से हम क्या कर सकते थे, बेसिकली किसी ये जो इस इमेज में कुछ खराबी है, बहुत सारे पुराने इमेज ऐसे होते हैं कि कुछ बहुत दिन किसी फाइल के अंदर रही हो या किसी एल्बम में रह रह कर उसके ऊपर ऐसे दाग आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हीलिंग ब्रश टूल है। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये इमेज डाउनलोड करना चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और या तो आप इसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ये जब फोटोशॉप 6 आया था तब ये इमेज एडोबी की तरफ से दी गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, ओल्ड इमेज के नाम से आया था ये। तो आप इसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं या तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, क्लोन स्टैम्प टूल मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता था, अगर क्लोन स्टैम्प टूल से हम किसी जगह को ढक दे, मान लीजिए इसको ऐसे हम ढकना चाहते तो इसे ठीक करने के लिए हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते। तो ऐसे क्लोन स्टैम्प टूल को ठीक कर दिया। तो उससे पहले मैं बताऊँगा कि जो भी करें आप एक न्यू लेयर पर करें, तो ऐसे अगर इसको ढक दिया तो ये ढक चुका है। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये आप देख पा रहे इस साइड पे थोड़ा सा कलर जो है वो ब्लैक ज़्यादा है और इस साइड पे ब्लैक कम है। तो मैं ये बता रहा था कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो है, अगर आपने इस ब्लैक वाली जगह से कोई सैंपल उठाया और इस जगह पे आके आपने पेंट किया, तो देखिए ये जगह ये काला बनाता जा रहा है। मतलब ये वाली जगह पर आपका, सॉरी जैसे आप ऑल लेयर कर ले वरना नहीं होगा ये। तो यहाँ से आप, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और जगह पे करने की कोशिश करेंगे तो वो कलर चेंज कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, बिल्कुल सेम आपका हीलिंग ब्रश टूल आपका बिल्कुल क्लोन स्टैम्प टूल की तरह है। यहाँ पे आपका वही सब सेटिंग है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी हीलिंग ब्रश टूल में भी 5 क्लोन सोर्स से अलग अलग वही सारे सेटिंग, तमाम तरह सारे सेटिंग्स एक ही जैसे हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये आपका क्लोन, अलग अलग 5 क्लोन स्टैम्प्स है, और यहाँ पे आपका अलाइंड भी है, और यहाँ पे करंट लेयर। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँ, यहाँ पे आप ऑल लेयर्स पे कर दें, वरना जो न्यू लेयर पे वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है हीलिंग ब्रश टूल। और यहाँ से अगर इस ब्लैक वाली एरिया से भी हमने अगर सैंपल उठाया तो यहाँ पे अगर आप जब भी पेंट करेंगे तो ये देखिए अपने आप कलर सही कर रहा है। तो ये सही हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये समझ में आ गया आपका हीलिंग ब्रश टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का बिल्कुल ही कॉपी है, लेकिन ये इसमें एक चीज़ ऐड अच्छा ये है कि ये अपने आप कलर्स को ठीक कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये, हालांकि आप ये प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये ब्लैक है, लेकिन इस जगह पर वाइट कलर है, फिर भी यहाँ पे इसके साथ मैच हो रहा है कलर। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या है, इसमें भी वही सेटिंग है, सैंपल ऑल लेयर्स, यहाँ पे चेक लगा दीजिएगा। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, इसमें जैसे कि क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में एक क्लोन सोर्स लेना पड़ता था, लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में कोई सोर्स नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे किसी जगह पे तो वो अपने आप आसपास से कुछ चीज़ें उठा के वहाँ पे ठीक कर देगा। तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश के साथ कि ये जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब है उस जगह पे स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ ना करें तो ही अच्छा है, वरना चारों तरफ से जो ख़राब चीज़ें हैं वही उठा करके आप जाके ठीक करना चाहते हो वहाँ पे ड्रॉ कर देगा और चीज़ें और भी ख़राब होते जाएंगे। और एक चीज़ देखिए आप, जब भी आप फोटोशॉप में कोई इमेज बहुत ज़्यादा जूम करते तो ये कुछ गार्ड जैसे आ रहे हैं, पिक्सेल गार्ड्स, तो इसे ऑफ भी आप कर सकते हैं। तो ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे जाइएगा व्यू पे जाने के बाद शो, और यहाँ पे देखिए पिक्सेल गार्ड है, तो इसे ऑफ़ कर दीजिए।
या आप चाहे तो ऑन भी रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश से ये छोटे छोटे चीज़ों का सही कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है वहाँ पे पिक्सेल गार्ड आप यूज़ ना करें तो ही बेहतर है। जो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पैच टूल। तो पैच टूल देखिए, ये इस वक्त तक न्यू लेयर पर है और पैच टूल में वो सैम्पल ऑल लेयर्स वाला ऑप्शन नहीं। पैच टूल के साथ यही एक दिक्कत है कि वो बस ओरिजिनल लेयर पर ही काम कर सकता है, वो किसी न्यू लेयर पर काम नहीं करता, मतलब वो किसी ब्लैंक लेयर पर काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा इस लेयर की, ये जो ओरिजिनल इमेज है इस लेयर की एक कॉपी ले ले कंट्रोल जे प्रेस करते हुए। तो अगर कंट्रोल जे प्रेस कर दिया तो अब भी देखिए नीचे वाला ऑफ़ कर दिया हमने, और अगर ऊपर वाला ऑफ़ कर दिया तो ये देखिए जितना भी एरिया हमने ठीक किया था वो ऊपर वाले एरिया में, अगर ऊपर वाला ऑफ कर दिया तो वो वापस से शो होने लगता है वो ख़राब एरिया। तो इन दोनों को आपको एक न्यू लेयर पे मर्ज कर लेना है। तो न्यू लेयर पे कोई दोनों लेयर को न्यू लेयर पे मर्ज करने के लिए आप ये कर सकते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के तो ऊपर वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। तो अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो जो जितने सारे लेयर आपने सेलेक्ट रखे हो वो सारे मर्ज होके एक नए लेयर पे आ जाएंगे। तो अब देखिए वो मर्ज हो चुका है। तो नीचे वाला अगर हमने ऑफ़ कर दिया और ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं तो देखिए नीचे वाले लेयर में वो सारे खराब चीज़ें रह गई है और ऊपर वाले लेयर में कुछ कुछ चीज़ें हटा दिया गया। तो बाकी की चीज़ों के भी ऊपर वाले लेयर में ठीक करते हैं। तो देखिए पैच टूल कैसे काम करते हैं। मान लीजिए इस छोटी सी चीज़ को हमें सही करना है तो इसे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सिलेक्शन बिल्कुल ऐसे करता है जैसा कि आपका लासो टूल था। ये आपका लासो टूल हो गया तो ये सॉरी मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो ये हैंग हो गया तो फिर से काट कूट के नया बनाना पड़ रहा है। तो देखिए तो आप देखिए पैच टूल का काम। तो पैच टूल क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इस वाले एरिया को सही करना है तो इसका एक सिलेक्शन बनाएंगे और ये इसका सिलेक्शन बनाने का तरीका पूरा वही है जो कि लासो टूल का था। तो लासो टूल में हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट कर सकते थे, अब जिस तरफ जितना चाहे आप ले सकते। तो पैच टूल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो पैच टूल से पहले हम सिलेक्शन बनाते हैं ऐसे और उसके बाद इसके ऊपर रह के लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करके किसी और तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे रख दिया तो देखिए ये सही हो चुका है। अच्छा तो इस वाले इमेज को सही कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं अपने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हीलिंग ब्रश टूल लेंगे हम और इसे डिसलेक्ट करेंगे, जैसे सैंपल लेंगे यहाँ से फिर देंगे
अच्छा, ऐसा अपने से कह लोग ऐसा कह सकते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल के बारे में था तो पैच टूल से क्यों किया। तो मैं आप देखिए आपको समझा रहा हूँ कि काम कैसे करते हैं ये। ऐसा कोई फोटोशॉप में ऐसा कोई सर्टेन रूल नहीं है कि इस काम को आप ऐसे इस टूल की मदद से ही करें। आपको जितना भर भर के टूल दिया है यहाँ पे, आप कोई भी काम किसी भी टूल से कर सकते हैं। मतलब एक ही काम बहुत सी तरीके से किया जा सकता है। आपको जो आपका बेस्ट लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए कर रहा था। और यहाँ पे देखिए इसके कान के पास थोड़े से प्रॉब्लम रह गए, तो इसे ठीक करने के लिए क्लोन टूल लेंगे फिर से और यहाँ से सैंपल लेके ठीक है। और इस जगह पे भी थोड़ी सी, इस जगह पे थोड़ा सा दे देंगे। तो अब देखिए अब इसके टाई जो है, इस टाई पे कुछ पैटर्न बना हुआ है, तो इसे भी थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं हम। तो इसको हीलिंग ब्रश टूल से ही करेंगे। ब्रश को छोटा और हार्डनेस को कम कर देंगे थोड़ा सा। तो नहीं रहे लेकिन देखिए आप यहाँ से लेके इतना अच्छा तो नहीं हो इसका टाई, लेकिन काम चलाने के लिए सही है। देखिए ये पूरी तरह से हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।